झारखंड हमारा भारत का सबसे अमीर राज्य है, फिर भी यहाँ पे पलायन करने मजदूर बाहर जाते हैं। और इसलिए सबसे जो मेन मुद्दा है हमारा, राज्य में हो या विधानसभा में हो, भारत में हो, सबसे जो मेन मुद्दा है वो रोजगार का मुद्दा है, बेरोजगारी चरम सीमा पे। ये भाजपा बहुत सारे हथकंडे अपनाएंगे, राम मंदिर के नाम पे आपसे वोट मांगेंगे, इन चरणों में रह गुजर की चमक छोड़ जाऊंगा, पहचान अपनी दूर तलक छोड़ जाऊंगा, खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझे, शीशा हूं टूट कर भी खनक छोड़ जाऊंगा। कलकत्ता यूनिवर्सिटी के केमिस्ट्री के टॉपर थे, सिंद्री फर्टिलाइजर में वो केमिकल इंजीनियर थे, चाहते तो वो एक अच्छी जिंदगी मैनेजमेंट के पोस्ट पर जाके एक अच्छी जिंदगी व्यतीत कर सकते। वर्कर्स की जब धरना चल रही थी, जो आंदोलन चल रही थी गेट पर, उस वर्कर्स के धरना में आगे बढ़कर उसने वहां पर भाषण दिया, उसके समर्थन किया, मैनेजमेंट ने उसके खिलाफ उनको चार्जशीट किया और चार्जशीट का जवाब से उसको मांगा गया कि भाई आपकी बात आप जो गए थे वहां मैनेजमेंट के पास है, आपको मजदूरों के सवाल में नहीं जाना चाहिए था, आपसे माफीनामा मांग ली, माफीनामा की जगह उसने रेजिग्नेशन पर दाखिल किया। जो मैं चीजें सही समझता था और मजदूरों की जो आंदोलन था वो सही है, इसलिए हमने समर्थन किया, मैं इसके लिए कोई भी माफी नहीं मांगूंगा, मैं अपना नौकरी से त्याग पत्र देता हूँ। इसमें जो कि हमारे सांसद प्रतिनिधि जो खड़ा हो रहे हैं इस बार सांसद में, जगदीश रवानी जी, वो लोकसभा में हमारे चुनाव लड़ेंगे पीएन सिंह के अपोजिट में। यहाँ पे मार्क्सवादी युवा मोर्चा का मिलन समारोह है, जो कि देख सकते हैं कितना भीड़ है यहाँ पे, किस प्रकार यहाँ पे ढेर सारा भीड़ है, यहाँ देख सकते हैं किस प्रकार जो कि यहाँ पे युवाओं का यहाँ पे जन सैलाब उमड़ा है। जो एमसीसी का यहाँ पे मिलन समारोह हो रहा है मार्क्सवादी का, उससे हम पूछते हैं कुछ खास बात, क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे आज युवा शक्ति जो टीम लाइडी प्रोजेक्ट अचानक के सभी युवा साथियों को लेकर आया गया और ये मासस के द्वारा मिलन समारोह प्रोग्राम करवाया गया। इसमें जो कि हमारे सांसद प्रतिनिधि जो खड़ा हो रहे हैं इस बार सांसद में, जगदीश रवानी जी, वो लोकसभा में हमारे चुनाव लड़ेंगे पीएन सिंह के अपोजिट में, और हमें सब जितने युवा साथी जो मासस के कार्यकर्ता है ना, वो सब मिलकर सहायता करवा रहे हैं। और हमारे साथ अविनाश यादव आ चुके हैं, युवा शक्ति के मेंबर है ये सब, रामतार चौहान। चलिए तो और कुछ बात और कुछ बातचीत करते हैं यहाँ के युवा लोगों से। हाँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार है यहाँ पे, और भी लड़का सब की जब क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ हम लोग जहाँ तक है हम लोग विधायक जी के लिए मरेंगे और जीतेंगे और जिताएंगे और लाल सलाम इसी के। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ कुछ लड़के हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ कर रहे हैं, क्या करना हम लोग का बहुत जरूरी है बेरोजगार से रोजगार एकदम। हम लोग विधायक जी जब भी बुलाते हैं वो आधा घंटे में पहुंच जाते हैं, हमारे लिए एकदम जो है निरसा क्षेत्र के लिए बेस्ट है, और इस बार उनको बहुत से बहुत ज्यादा वोट से जिताना है। हाँ, तो ये युवा ने कहा कि बहुत ही विधायक जी बेस्ट है निरसा विधानसभा के लिए, जो कि जहाँ भी बुलाते हैं आधा घंटा में पहुंच जाते हैं, चाहे वो जिस हाल में हो, तो निरसा विधानसभा के लिए बहुत ही बेस्ट है। और ऐसा ही बार यहाँ पे हमारे निरसा विधानसभा में बेरोजगारी तो क्या, पूरा भारत में बेरोजगारी चरम सीमा पे, जो कि सबसे जो ज्यादा समस्या, जो मेन समस्या है रोजगार का, जो कि बेरोजगारी चरम सीमा पे, उसको हटाना बहुत जरूरी है। जो कि झारखंड हमारा भारत का सबसे अमीर राज्य है, फिर भी यहाँ पे पलायन करने मजदूर बाहर जाते हैं। और इसलिए सबसे जो मेन मुद्दा है हमारा, राज्य में हो या विधानसभा में हो, भारत में हो, सबसे जो मेन मुद्दा है वो रोजगार का मुद्दा है, बेरोजगारी चरम सीमा पे। तो आइए हम कुछ बात करते हैं यहाँ के कुछ लोगों से, क्या कुछ कहना चाहते हैं सर। सर, यहाँ झारखंड राज्य तो बहुत ही अमीर है, लेकिन यहाँ के लोग बहुत निर्धन है, क्योंकि यहाँ की जो भी संपत्ति का मालिक है वो केंद्र सरकार ले लेती है और यहाँ के निवासियों का लाभ नहीं मिल पाता। यहाँ के लोग रोजगार नहीं पाते, सरकारी नौकरी करने वाले सभी बाहर के आके करते हैं, जिससे कि यहाँ की जनता गरीब होते जा रही है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक मंदिर मिलेगा जहाँ पे बोर्ड माननीय विधायक चटर्जी के निधि से निर्मित, तो ये सब कामों को एक एक जन तक पहुंचाने का काम यही युवा मोर्चा करता है और आगे भी करता रहेगा। मैं दिल की गहराइयों से आप सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस तरह का आयोजन यह पहला आयोजन है, अभी तो आगाज है, अभी अंजाम बाकी है। कमर कस लीजिए, क्योंकि इस बार का चुनाव बहुत ही कठिन होने वाला है, चाहे वो एमपी का चुनाव हो, चाहे वो विधायक का चुनाव हो। ये भाजपा बहुत सारे हथकंडे अपनाएंगे, राम मंदिर के नाम पे आपसे वोट मांगेंगे,
लेकिन राम मंदिर, राम हमारे अनुयायी है, हम उनके भक्त हैं, इससे इनकार नहीं है। लेकिन हमारे समाज में, हमारे वर्तमान निर्सा में जो काम करेगा, हम वोट उसी को देंगे और कोई राम मंदिर के नाम पे वोट नहीं देंगे। हार तो हम लोग पिछले बार जनता का हमने स्वीकार किया, जनता का आदेश आया उसको सर आंखों पर बिठा कर हमने किया। हम कार्यकर्ता के रूप में तो थक गए थे, लेकिन हमारे नेता पिछले 5 सालों से निरसा के हर गली हर मोहल्ले में उनकी गाड़ियों के टायर के निशान आपको देखे जा सकते हैं। लेकिन आज तक यहाँ बैठे हुए हर शख्स से मैं पूछना चाहता हूँ कि जो हमारा वर्तमान विधायक है, हमारी विधायिका है श्रीमती अपर्णा सूर्यगुप्ता को उन्होंने कितनी बार देखा है? शायद एक बार से ज्यादा किसी ने नहीं देखा होगा। तो साथियों, आप सबसे अनुरोध है कि यहाँ जब आप इस सभा को समाप्त करके जाएं, तो ये प्रण लेके जाएं कि आने वाले 2024 के विधायक इलेक्शन में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और माननीय विधायक अरुण चौधरी को इतने वोटों से विजय करें कि पूरे रांची में इसका तहलका मच जाए। मैं इस एक शेर के साथ अपना बात समाप्त करना चाहूंगा कि जर्रों में रह गुजर की चमक छोड़ जाऊंगा, पहचान अपनी दूर तलक छोड़ जाऊंगा, खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझे, शीशा हूं टूट कर भी खनक छोड़ जाऊंगा। युवा मोर्चा की ये सेमिनार को लिए आई दिवसीय सम्मेलन को लिए यहाँ पर सिरकुंडा में रखा गया। खुश है जो युवाएं चेहरे युवा वर्ग के साथी लोग यहाँ पर जुटे, और युवा अगर चाहे तो हम समझते हैं जो देश से लेकर कहीं भी सत्ता परिवर्तन हो सकती है। अगर देश की चुनाव में सबसे अहम भूमिका कोई निभाते हैं तो युवा वर्ग ही निभाते हैं। आपको याद होगा जो जेपी की आंदोलन की छात्र आंदोलन से शुरुआत हुई थी और उससे ही पूरे देश की सत्ता परिवर्तन भी आई। तो इसलिए युवा वर्ग को आगे आना एवं हर एक चीज में युवा वर्ग को दखल देना समझते हैं जो आज सबसे जरूरी सवाल है। साथियों, लेकिन हमें एक चीज खाली, जो कोई भी साथी आकर, नया साथी आकर यहाँ पर वक्तव्य दे रहे हैं, देखिए ये वो मंच है जहाँ आपको हर चीज के ऊपर बोलने का एक मौका मिलता है, आप बोल सकते हैं, आप सीख सकते हैं। तो इसलिए आपको आगे बढ़ना होगा, आगे बढ़कर बोलने सीखना होगा एवं आस्ते आस्ते आपको नेतृत्व करना सीखना होगा। आप ही लोगों से एक नेतृत्व का भी साथी उठकर आएगा जो आगे चलकर इस इलाके का नेतृत्व करेगा, कोई आंदोलन का नेतृत्व करेगा। तो नेतृत्व का भी साथी हमें बाहर से ढूंढ कर निकालना है। नेतृत्व यही इसी हॉल में मौजूद तमाम साथियों के बीच में संवाद के आना चाहिए, तभी हम जब समझते हैं तो संगठन आगे बढ़ सकते। आगे एक समय था जब आज के दिन जो युवा सम्मेलन कर रहे हैं ये लोग के हम लोग के साथ जुड़े थे, ये बात सही है, जो ढेर सारे युवा उस समय जुड़े थे 2019 के इलेक्शन से पहले, उसमें से कुछ ही साथी लोग रह गए। लेकिन जो लोग रह गए वो लोग आस्ते 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 वो लोग ही लीडरशिप की जगह पर आए, आज के दिन से कुंडा में वो लोग ही लीडरशिप कर। तो इसी तरीके से आप लोगों को भी आगे बढ़कर चीजें करती हो। साथियों, लोग सोचते हैं जो मार्क्सवादी समन्वय समिति क्या है, कॉम्रेड एके राय क्या है, कॉम्रेड बादल बाउली ने विस्तार रूप से आप लोगों के बीच में कॉम्रेड एके राय के बारे में रखा। कॉम्रेड एके राय जब 17 साल के उम्र में जेल गए थे तब उसमें ओरिजिनली वो ढाका से है और वो भाषा आंदोलन में पहला व्यक्ति था, पहला आदमी था जो भाषा आंदोलन में जेल गए थे उस समय, आज के जो बांग्लादेश है उस समय। तो उस उम्र से जब आपकी आपसे भी कम उम्र के थे तब से वो आंदोलन कर रहे, तब से वो लड़ाई कर रहे, तब से वो सामाजिक कार्यों में जुड़े हुए। कलकत्ता यूनिवर्सिटी के केमिस्ट्री के टॉपर थे, सिंद्री फर्टिलाइजर में वो केमिकल इंजीनियर थे,
चाहते तो वो एक अच्छी जिंदगी मैनेजमेंट के पोस्ट पर जाके एक अच्छी जिंदगी व्यतीत कर सकते। वर्कर्स की जब धरना चल रही थी, जो आंदोलन चल रही थी गेट पर, उस वर्कर्स के धरना में आगे बढ़कर उसने वहां पर भाषण दिया, उसके समर्थन किया। मैनेजमेंट ने उसके खिलाफ उनको चार्जशीट किया और चार्जशीट का जवाब से उसको मांगा गया कि भाई आपके पास आप जो गए थे वहां आप मैनेजमेंट के पास है, आपको मजदूरों के सवाल पर नहीं जाना चाहिए था, आपसे माफीनामा मांगी। माफीनामा की जगह उसने रेजिग्नेशन पर दाखिल किया। जो मैं चीजें सही समझता था और मजदूरों की जो आंदोलन था वो सही है, इसलिए हमने समर्थन किया। मैं इसके लिए कोई भी माफी नहीं मांगूंगा। मैं अपना नौकरी से त्याग पत्र देता हूँ। मैं मजदूरों के सवाल पर उसके साथ। तो ये थे कॉमरेडे केरल और वहां से लड़ाई की शुरुआत हुई। पहले यूनियन बने प्यार बोले कमला विभिन्न जगह पर, उस समय प्राइवेट माइंस चलती थी और उनको हर एक जगह आस्ते आस्ते बुलाया गया उस समय। और प्राइवेट माइंस में सूद खोरो एवं नखेतों का उस समय बहुत जोर था। कांग्रेस की राज थी। आज लोग बोल रहे हैं जो भाजपा खराब है, उस समय लोग बोलते थे जो कांग्रेस खराब है। जो स्थिति आज देख रहे वही स्थिति उस समय भी। और नखेतों का और रंगदारों का राज था उस समय। उसके खिलाफ आंदोलन सभी जगहों पर हुए। आप धनबाद झरिया से लेकर कहीं भी कोलफील्ड इलाके में सीसीएल तक चले जाइए, आप अगर आंदोलन की सूची हर एक जगह पर मिलेंगे। हमारे क्रांतिकारी साथियों की इस लड़ाई में काफी जगह मृत्यु हुई। आज भी हम शहादत दिवस हर जगह मनाते हैं। लोग आज जो लोग आज के दिन समाज में नेता बन के खड़ा है, वो लोग एक समय था जब मतलब सिंह नरेश गोली चलाते थे और मजदूर अपने मजदूर निरंतर लड़ते थे, तीर धनुष के साथ लाठी के साथ लड़ते थे और हमारे काफी साथी उसमें मारा गए। उन लोगों की केस तो इस राज से लेकर दूसरे राज तक चले गए और उसके बाद केस सारे शिथिल पड़े। लेकिन एक इन लड़ाइयों में एक एक करके कोलियारी जो है मुक्त हुई इन लोगों से और कोलियारी में मजदूरों की राज बने। तो इसलिए आज भी कोलियारी इलाका में बिहार कोलियारी कामगार यूनियन सबसे मजबूत यूनियन के रूप में माना जाता है। और साथियों एक चीज और बता दें, जो दूसरे तमाम यूनियन ठेकेदारी करता है, ट्रांसपोर्टिंग में लगे हुए तमाम कहीं ना कहीं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लगा है। हमारे यूनियन के साथी कहीं भी कोई बिजनेस पर लिप्त नहीं है, कहीं भी ट्रांसपोर्टिंग या कोई आउटसोर्सिंग के साथ मिली भगत नहीं है, उनकी कोई भी आउटसोर्सिंग नहीं। तो इसलिए भी हम लोग स्पष्ट रूप से डीसी के की लड़ाई को आगे ले जा सकते। बाद में मार्क्सवादी समन्वय समिति बनी और झारखंड मुक्ति मोर्चा जो आज स्थापना दिवस है, लेकिन झारखंड मुक्ति झारखंड के मुक्ति के लिए एक मोर्चा बनी थी। उस समय झारखंड आंदोलन सभी जगहों पर टुकड़े 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 रूप में चल रहे थे और झारखंड के मुक्ति के लिए एक मोर्चा बनी थी जिसमें हम लोग भी थे, हमारे यूनियन भी थे और झारखंड के लोग भी थे और विभिन्न पार्टी के लोग थे। बाद में वो एक संगठन बन गई, बीसी के वो अलग हो गई, झारखंड मुक्ति मोर्चा अलग हो गई, ये चीज अलग है। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा एक मोर्चा बनी थी झारखंड को क्या से मतलब अलग झारखंड राज्य बनाने के। उस समय शिव सोरेन एक छोटी सी जगह पर आंदोलन करते थे संथाल परगना और कॉमरेड ए के राय एवं विनोद तिवारी महातो जो यहाँ पर केंद्रित करके वो आंदोलन करते थे, वो लोग उनकी नजर में गई और वो लोग उनको यहाँ पर ले आए थे। यहाँ से फिर तीनों मिलकर वो आंदोलन शुरू झारखंड में आंदोलन करते और शिव सोरेन की एक कार्य क्षेत्र भी रही है, चाहे निक्सा बोलिए मुख्य रूप से ढूंढी में स्थापित करके वो आंदोलन करते थे। तो ये तमाम इलाका उनका कार्य क्षेत्र भी रहा। ढेर सारी चीजें हैं जो घटित हुई। इमरजेंसी के समय विनोद बाबू और कॉमरेड ए के राय का जेल जाना,
पहले विनोद बाबू का जेल जाना, बाद में कॉमरेड ए के राय का जेल जाना, और दूरी जी का कांग्रेस के साथ इंदिरा गांधी के साथ हाथ मिलाना। कुंडी में गुरु जी के खिलाफ हम लोगों ने महेंद्रनाथ मंडल, जो आज के दिन रेखा मंडल जिनकी घर पत्नी है महेंद्रनाथ मंडल खड़ा होना, सखीनाथ महतो को खड़ा करना, सखीनाथ महतो भी मार्क्सवादी समन्वय समिति से थे। ऐसे कुछ एक घटनाक्रम से आस्ते आस्ते चीजें डिफरेंट रास्ते में चलते गए और बहुत धड़ाम में बढ़ गए। जो हमारे साथ यूनियन आ गई, यूनियन आज भी देखने का झारखंड मुक्ति मोर्चा के कहीं भी कोई यानी नहीं, यूनियन है लेकिन यूनियन तो उस हिसाब से नहीं है। यूनियन हमारे साथ आ गई और संगठन जो है ज्यादातर जगहों पर उनके साथ चली गई। एक समय था जब लाल धना मैत्री चलता था तब कॉमरेड एक दोनों की मेंबरशिप करते थे, मास्टर्स की भी करते थे और जेएमएम की भी मेंबरशिप, दोनों की मेंबरशिप कॉमरेड एक करते थे। एक समय था जब हम लोग बालक हुए तो तीन धनु सिपोल मास्टर्स की थी और कॉमरेड एक मास्टर्स धनु सिपोल से ही पहले जीते, लेकिन जब तीन लोगों ने अपाई किया तो नो ऑब्जेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन लिखे, तो बिना कुछ सोचे समझे बिना कुछ किसी से पूछे ही कॉमरेड एक ने नो ऑब्जेक्शन दिया। नहीं, तीर धनुष जो है आदिवासियों की प्रतीक चिन्ह है, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा को जाना चाहिए। तो ये कॉमरेड एक और एमपी रहते हुए आज तो हम लोग देखते होंगे जो एमपी साहब को अलग तरीके से मतलब दो गाड़ी लेके चार गाड़ी लेके उनकी रहन सहन उनकी कार्यशैली उनके बात करने का तरीका हर चीज आप लोग देखते हैं। कॉमरेड एक अपनी कोई घर नहीं थी, अपनी कोई बैंक अकाउंट नहीं थी, उनकी कोई गाड़ी नहीं थी, उससे शादी नहीं किया, वो नीचे सोते थे। उनकी संपत्ति से दो या तीन सेट कपड़ा था, एक रबर की चप्पल थी, बस इतना ही था और कुछ भी संपत्ति उनके ऊपर नहीं। वो एमपी रहते हुए भी सबसे पहले रिक्शा चालक के साथ वहां पर एक फ्लैट के ऊपर तल्ला में रहते थे, बाद में जब देखा जो उनको क्वार्टर करने के लिए रिक्शा चालक के साथ रहते थे तब उनको कॉमरेड पास से आचार्य और दूसरे लोग मिला के क्वार्टर दिलाए और उसके बाद बोले। तो वो उस तरीके का व्यक्ति थे, वो ट्रेन में लोकल ट्रेन में ट्रेवल करते थे, लोकल मतलब बसों में ट्रेवल करते थे, ऐसा नहीं कि वो गाड़ी में ट्रेवल करते थे। और हमेशा से आज तो आप लोकसभा और राज्यसभा के भी देख रहे हैं ना, तो हम लोग भी देखते हैं जो पीएम सिंह कभी भी कोई चीजों को लेकर पार्लियामेंट में बहस कर रहे कि भाई ये तमाम चीजें बहस होनी चाहिए, खुलने का मुद्दा हो, डीवीसी के सवाल हो, ढेर सारे मुद्दे हैं जो एक सांसद उठा सकते हैं सरकार के पास। हम लोगों ने कभी उस तरीके का क्वेश्चन नहीं देखा और हमारे जनप्रतिनिधि को इन तमाम चीजों से कोई वाकिफ भी नहीं, कुछ लेना देना भी नहीं। वो तो एक मतलब किसी दूसरे के नाम से वो वोट मांगते हैं और उनके ही नाम से वो वोट जीत के जाते हैं। तो लेकिन कॉमरेड एक के राय की आप देखेंगे तो हर एक दिन या दो दिन बाद उनके सवाल रहते थे पार्लियामेंट में, उनको कभी 5 साल का काम नहीं मिला। उस समय जो सरकार थी कमजोर थी और 3 साल 3.5 साल इसी तरीके से चलते थे, 3 बार वो एमपी बने, लेकिन हर एक समय उनकी सवाल रहते थे, हर एक समय मुद्दों पर वो डिस्कस करते थे, वो पार्लियामेंट में ठोस बहस करते थे। ये एक एमपी का ये एक एमएलए का काम है जो आप चीजों को उन सवालों को अच्छी तरीके से तार्किक तरीके से आप सभा पटल पर रखें। तो ऐसा एमपी हम लोगों को चाहिए जो डेवलपमेंट के साथ साथ हर एक मुद्दों को कोई वहां पर रख सके और लोगों के बीच में रहे, लोगों के बीच में रहकर आंदोलन करे, लोगों के बीच में रखकर उनके सवालों को खड़ा करकर मैनेजमेंट के विरुद्ध लड़ाई करे। ऐसा नहीं तो दिन भर घर में बैठे और शाम को कोई पार्टियां करते हुए कुछ टीका काटते हुए काम। तो साथियों इस तमाम चीजों को देखना है हमें अगला एमपी चुनाव में और साथ साथ
लोगों को एक दिन वर्णित किया जाता है जो हमने मंदिर बनाया हमने ये किया। देखिए लोग अपने धर्म से सभी प्यार करते हैं, ऐसा नहीं जो वो ज्यादा प्यार करते हैं क्या कम प्यार करते हैं, जो भी लोग हैं लोग अपने धर्म से सभी प्यार करते हैं। हमने भी यहाँ पर ढेर सारा है, छोटी मंदिर बनाए बड़े मंदिर बनाए, उनकी सरकारी पूंजी थी, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग अपने धर्म से प्यार नहीं करते, हम लोग धर्म पर विश्वास भी करते हैं प्यार भी करते, लेकिन धर्म के आर पर हम कुछ भी नहीं करेंगे, आप सिर्फ धर्म को ही लेके चले गए। इस तरीके से सत्ता नहीं चल सकती है ज्यादा देर, आपको जो चीजें हैं उस पर भी आपको ध्यान देना होगा, बेरोजगारी पर, महंगाई पर। आज बेरोजगारी का थोक लगा हुआ है। अब मेरे घर में चलिए हर दिन कम से कम 100 बायोडेट अंदर साइन करते, कहां नौकरी लगाना है हमें खुद नहीं मालूम, कहां नौकरी वो लोग लगेंगे वो भी हमें मालूम नहीं, लेकिन लगातार बेरोजगारी बढ़ते जा रही है। पिछले 10 साल से कोई डेटा भी आगे तो पहला 2-3 साल डेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती थी, आपको डेटा भी देना बंद कर दिया है। तो बेरोजगारी हो, तमाम महंगाई हो, हर चीज की महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। आप देख रहे गवर्नमेंट की गवर्नमेंट एजेंसी रेडी भी सिर्फ आप जाइए, आप कोल इंडिया में जाइए, रिटायरमेंट होती है वो पद समाप्त हो जाती है। एक समय था जब 13,000 वर्कर्स यहाँ पर काम करते थे मुक्का और काबा सारे एरिया मिला के, आज के दिन मान 4,500 मजदूर है यहाँ पर जो काम कर रहे हैं। तो ये पद समाप्त होते जा रही है, रोजगार बढ़ाने की कोई उपाय नहीं सोच रही है। लोगों को एक पट्टी बढ़ाने के लिए भाई हमने अयोध्या में मंदिर किया, इसलिए हमें वोट चाहिए, हम 5 KG का भी चावल दे रहे हैं साथियों, 5 KG का भी चावल देने में सरकार को अगर 4,000 करोड़ की खपत हो रही है, तो आप देख लीजिए जो इंडस्ट्री बड़े बड़े 2-4 इंडस्ट्री 10 इंडस्ट्री बढ़ी है तो उसके लोन माफी नहीं, आपका 40,000 करोड़ चली जा रही है सरकार की ऊर्जा। तो ये महज एक छोटी सी अमाउंट जनता के बीच में 5 KG का भी चावल दे के सिर्फ वोट मांगना, हम समझते हैं जो सिर्फ चावल के लिए हम वोट दे देते हैं सर, ये देश की डेवलपमेंट के साथ साथ एक अच्छी सरकार के लिए हम वोट देते हैं। तो हमने लगातार 10 साल देखा जिन मुद्दों पर बढ़नी चाहिए वो तमाम मुद्दे आज के दिन नहीं बने हैं, हम समझते हैं एक बार परिवर्तन होनी चाहिए देश में, एक बार सरकार की परिवर्तन होनी चाहिए, एक बार हम समझते हैं जो लोग दूसरे सरकारों को भी मौका दें। और आप देख रहे हैं रीता वर्मा के 4 टर्म, पीएन सिंह के 2 टर्म, 6-3 टर्म, 7 बार से ये लोग एमपी जीत रहे हैं और धनबाद जहाँ का तहार है, जो एक बार मास्टर्स को चार्ज दीजिए जिसमें जगदीश यहाँ तक खड़ा होते हैं, जगदीश को वोट देकर आपको यहाँ पर तैयार है उनको जिताइए। हम आशा करते हैं जो आपकी जो आशा है वो निश्चय ही पूरा होगा, मास्टर भविष्य में धनबाद को और आगे ले जाने का काम करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद हमारे उनको विधायक श्री रामचंद्र जी जी, आप हम लोगों के सामने हमारे